1 सप्टेंबर रोजी LIC ने 59 वर्ष पूर्ण केले. या काळात LIC ने जनतेला अनेक उपयुक्त सुविधा पुरवल्या. 1 सप्टेंबर रोजी LIC ने 59 वर्ष पूर्ण केले. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने या काळात जनसामान्यांपर्यंत आयुर्विमाचा प्रचार आणि प्रसार केला आणि त्याचबरोबर जनतेचा पैसा जनतेच्या कल्याणासाठी वापरण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. विमा क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूकदारांसाठी खुले झाल्यावरही भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने आपले या क्षेत्रातील आघाडीचे स्थान कायम ठेवले आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ विद्यमान आर्थिक परिस्थितीत आपल्या ग्राहकांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सेवा देत आहे. 31 मार्चपर्यंत LIC ने 19,46,249 कोटी रुपयांची गुंतवणूक विविध समाजोपयोगी क्षेत्रात केली आहे. इतना पॉलिसी होल्डर है उनका सब अभिनंदन करता हूँ. आज LIC का बाढ़ दिवस है. 1956 से आज तक 59 ईयर्स अतिक्रम करके LIC आज जो स्थल में पहुँचे हैं तो हमारे पॉलिसी होल्डर का आस्था और विश्वास का प्रतीक हिसाब से हम लेते हैं. आज का दिन में हमारे इतना संपत्ति है, पॉलिसी होल्डर का संपत्ति है. पॉलिसी होल्डर का जो पैसा हमारे पास निवेश करते हैं वो निवेश फंड को हम ठीक ढंग से विनियोग करते हैं सरकारी क्षेत्र में, जिसके लिए सोशल सेक्टर डेवलपमेंट बहुत होता है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बहुत अच्छा ढंग से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है. उसके चलते देशवासियों का बहुत उन्नति होता है और LIC में जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसी इन्वेस्टमेंट से देशवासियों का उन्नति उसी ढंग से बढ़ते बढ़ते जाएगा. और हम लोगों को उम्मीद करेंगे कि LIC का ऊपर आज तक जितना विश्वास और आस्था रखे हैं उस पर हम खड़े उतरेंगे. बहुत सारे पॉलिसी आज का दिन में भी बंद पड़ा हुआ है, उसको भी लोग चला सकते हैं. अभी एक रिवाइवल कैंपेन हम चला रहे हैं, जो पॉलिसी बंद पड़ा है उसको अगर चालू रखेंगे तो हम जो इंटरेस्ट लेते हैं वो इंटरेस्ट का भी हम कुछ छूट भी दे सकते हैं. ये 2 महीना तक चालू रहेगा. हम लोगों को ये आग्रह करेंगे अगर पॉलिसी बंद पड़ी है उसको चालू रखिए, अगर चालू है तो उसका NEFT डिटेल्स दीजिए, सो दैट ठीक समय में हम पेमेंट करें और आपका विश्वास हमारा पास रहे. और जो 60 साल से आपका विश्वास हमारा ऊपर है उसके लिए आपको सब धन्यवाद. वेगवेगळ्या गणेश मंडळाचे वेगवेगळे देखावे, आपल्या गणेश मंडळाचे देखावे दाखवा आता AI News चॅनल वर.